नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वीडन के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल द्वारा आज ही के दिन 27 नवंबर 1895 को की गई वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नोबेल पुरस्कार को शुरू करने के पीछे एक अखबार में गलती से छपी एक खबर थी। सन 1888 में एक अखबार ने गलती से छाप दिया मौत के सौदागर की मृत्यु, अर्थात अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो गई है। अखबार ने अल्फ्रेड को डायनामाइट का आविष्कार करने के कारण हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था। अपनी मौत की यह झूठी खबर अल्फ्रेड ने पढ़ी, लेकिन इस अखबार में उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द मौत के सौदागर ने अल्फ्रेड नोबल को पूरी तरह से झकझोर दिया था। सहसा उन्होंने सोचा कि उनकी मौत की यह खबर कभी ना कभी तो सच अवश्य होगी, तो क्या दुनिया उन्हें इसी नाम से जानेगी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने व्यक्तित्व पर लगने वाले इस दाग को मिटा देंगे। अल्फ्रेड नोबल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए लगा दिया। सभी करों को काटने के बाद अल्फ्रेड नोबल की कुल संपत्ति का 94% हिस्सा 5 नोबल पुरस्कार की स्थापना के लिए आवंटित कर दिया गया। अल्फ्रेड नोबल की इच्छा थी कि इस रकम पर मिलने वाले व्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जीवित के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म आज के दिन 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ। बच्चन प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के बड़े पुत्र थे। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी, लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने पंजाब की तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ दो पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय किया है। श्रीवास्तव परिवार से नाता रखने वाले हरिवंश राय का बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में हरिवंश राय बच्चन इसी नाम से मशहूर हुए। हरिवंश राय बच्चन की शुरुआती शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल में हुई। इसके बाद की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई। हरिवंश राय बच्चन 1941 से 52 तक वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चरर रहे। इसके बाद बच्चन इंग्लैंड में रहकर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। विदेश से लौटकर उन्होंने एक वर्ष अपने पूर्व पद पर तथा कुछ मास आकाशवाणी इलाहाबाद में काम किया। दिसंबर 1955 में भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय के हिंदी विशेषज्ञ के रूप में बुला लिया, जहां 10 वर्ष रहकर उन्होंने हिंदी को राजनीतिक कामकाज का सक्षम माध्यम बनाया। वर्ष 1967 में राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने बच्चन को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। हरिवंश राय बच्चन के काव्य की विलक्षणता उनकी लोकप्रियता है। हरिवंश राय बच्चन की कविता की लोकप्रियता का प्रधान कारण उसकी सहजता और संवेदनशील है। यह सहजता और सरल संवेदना उसकी अनुभूति मूलक सत्यता के कारण उपलब्ध हो सकी। भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का आज के दिन 27 नवंबर 2008 को 77 वर्ष की आयु में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हुआ। वह काफी समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे। स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। वीपी सिंह के नाम से विख्यात विश्वनाथ प्रताप एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में जानी जाती थी। राजीव गांधी सरकार के पतन के बाद जब जनता दल ने वर्ष 1889 के आम चुनाव में विजय प्राप्त की, तो प्रधानमंत्री के पद के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह को निर्वाचित किया गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पिता का नाम राजा बहादुर राय गोपाल सिंह था। वीपी सिंह ने इलाहाबाद और पुणे विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति में रुचि आ गई थी। वह वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और इलाहाबाद स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष भी रहे। बुधान आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने अपनी सारी जमीनें दान कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप
परिवार वालों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। यह मामला इतना बिगड़ा कि अदालत तक जा पहुंचा। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक कुशल और बेहद महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ थे। वे अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति की ओर आकृष्ट हो गए थे। युवा राजनीति का हिस्सा रहते हुए उन्होंने राजनीति की हर प्रक्रिया को अच्छी तरह समझकर अपने व्यक्तिमत्व में ढाल लिया था। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।